टेस्टी। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम। मेरी किचन में आपका स्वागत है। मैं सूफिया। आज हम बनाएंगे पापड़ चाट, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट भी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ हम जो पापड़ लेंगे वो इसको इस तरीके से नलकी वाले पापड़ लेंगे, इसे छुर्री भी बोलते हैं, और इसको आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। सेम आलू है, आप जितना पापड़ लेंगे उसी के हिसाब से आप इसका स्टफ़ तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 5 आलू लिए हैं, इसे बॉइल कर रखा है अच्छे से। थोड़ा सा हम इसके अंदर जो मसाले डालेंगे, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने हरा धनिया, 1 हरी मिर्च है, 1 टेबल स्पून ही ली है प्याज, थोड़ी सी हाफ पिंच के करीब हम इसमें डालेंगे हींग, 1/2 टी स्पून है अमचूर पाउडर, 1/2 टी स्पून नमक है, बाकी हम थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, 1/2 टी स्पून ही इसमें ली है मैंने लाल मिर्ची पाउडर। थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब हरी चटनी, और थोड़ा सा गार्निश के लिए हम डालेंगे बारीक वाला सेब। तो सबसे पहले हम पापड़ को फ्राई करके बाहर निकाल लेते हैं। तेल यहाँ पे हमारा अच्छा गर्म है, तो हम इसके अंदर पापड़ डाल देंगे और इसको फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा सा पानी का छींटा चला गया है, तो इस तरीके से ये पापड़ फूल कर आ जाएगा। तो हम सारे पापड़ को इसी तरीके से फ्राई करके निकाल लेते हैं। पापड़ को हमने फ्राई करके बाहर निकाल लिया है, तो ये इस तरीके से कुछ फूल कर हो जाएंगे। ये कुछ जो इनका साइज़ है, कुछ छोटा कुछ बड़ा, ये इस तरीके से फ्राई होकर आ जाएंगे। हम आलू के स्टफ़ को तैयार कर लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ मैंने आलू को मैश कर दिया है। इसमें हम सारा सामान मिला देते हैं जो हमारे मसाले हैं। तो हींग मिला देंगे इसमें हम, अमचूर पाउडर, नमक, नमक थोड़ा सा हम ध्यान से डालेंगे क्योंकि चटनी में भी नमक है, हरी मिर्ची, सॉरी रेड चिली पाउडर, और यहीं पे हरा मसाला। तो सारी चीज़ें हम मिला के इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और यहीं पर इसमें मैं डाल दूंगी हरे धनिए की चटनी, तो करीब 1 डिश स्पून आप देखेंगे, और इसे अच्छे से हम कर देंगे मिक्स। स्टफ़ बनकर रेडी है, तो बस इसे हमें पापड़ के अंदर फिल करना है, और स्टफ़ भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर आया है। इसमें हमने चटनी ऐड कर दी है, तो बस इस तरीके से हमें इसके अंदर स्टफ़ को भर देना है। हम दोनों साइड से भर देंगे अच्छे से, इसमें इसमें आसानी से आ जाए, और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से आप देखेंगे इसके अंदर स्टफ़ चला जाएगा, और इसे आप बना के ज़रूर एक बार ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये मैंने एक ढाबे पे खाया था एक्चुअली, तो ये मुझे बहुत पसंद आया था, तभी मैंने सोचा कि ये मैं सबके साथ शेयर कर देती हूँ। इसको हम सेब के अंदर इस तरीके से डिप कर देंगे दोनों साइड से, और इसको हम रखते जाएंगे प्लेट के अंदर, सारे हम इसी तरीके से रेडी कर लेते हैं। ये आपकी पापड़ चाट बनकर रेडी है। तो ये मैंने ढाबे पे नहीं, ये मैंने एक स्टॉल पे खाया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने इसको ट्राई किया और अच्छा लगा खाने में, तो बहुत आपको मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप चाहे जो इसमें थोड़ा सा ध्यान है, बस ये है कि पापड़ को पहले फ्राई करके बाहर निकाल लेना है, उसके बाद स्टफ़ रेडी करना है। पापड़ थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, तो ये थोड़ी देर के लिए आपका चलेगा, और जब भी आपको बनाना हो तो बस इसी तरीके से कि बस पापड़ फ्राई होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर स्टफ़ करें इसको। मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, गुड बाय, हैव अ गुड डे।